सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी मां भाग गई थी। तेरी मां घर छोड़ के भाग गई थी ना? जैसे तेरी मां भागी थी ना, वैसे ही तेरी बहन भागेगी। मेरे तो सारे फ्रेंड्स कहते थे कि सरला इस घर में रिश्ता ना कर, माँ का असर तो बेटी पे आएगा ही। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं? सही कहा आपने, बट पास्ट इज पास्ट और हमारी सोनू ऐसी नहीं है। सोनू बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी बहू बनेगी। क्यों? और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतना लकी हो जाऊंगा कि मुझे सोनू जैसी लड़की मिलेगी। एंड मेरे जैसा साला। चीपर। कम है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, लेट्स टेक अ पिक फॉर सर लूजिंग स्टार। ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, प्लीज साइन इट। अच्छा, ज्वाइन करने के कितने दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं? ज्वाइनिंग के बाद आप कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं। मासी, जल्दी से सारा सामान पैक करना शुरू कर दो। एक्सक्यूज मी, आपका नाम इश्की है? अब जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? मिस्टर अहान वीर मल्होत्रा ने इनके अगेंस्ट कार चोरी करने की रिपोर्ट लिखवाई है। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ, ये बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लियर कर सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे जॉब मत छीनिए, मुझे जॉब की इस घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम सॉरी, पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी बात तो सुनिए एक बार। मुझे एक्सप्लेन। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ चोरी नहीं की है। उनकी कार उनके घर पे खड़ी, आप जाकर चेक तो कीजिए एक बार। जी, अगर आपने मुझे अरेस्ट कर लिया ना, तो मेरी नई जॉब, मेरा नया घर सब मुझसे छिन जाएगा। और मुझे अपनी मासी के लिए जॉब चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं हूँ चोर, मैंने कुछ नहीं चुराया है। ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, आप एक बार चेक तो कीजिए प्लीज। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? थैंक यू भैया। किस लिए? राज के मॉम की बात को इग्नोर करने के लिए। आई नो कि आज उन्हें सारी लाइंस क्रॉस कर दी, पर फिर भी आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात इग्नोर कर दी। ये बड़ी बात तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं। तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं। और सुनो, वो लड़के वाले हैं, कभी कुछ गलत बात बोल भी थे तो इग्नोर कर देना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे? इनकी माँ नहीं है ना, तो संस्कार भी नहीं है। हाँ, मैं हर्ट हुआ, लेकिन मैं बोलता तो बेइज्जती होती, तमाशा होता। मेरे लिए फैमिली की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, और तेरे लिए भी नहीं होना चाहिए। एक बार हमारी फैमिली का तमाशा ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा बनेगा तो हमें से कोई सर उठा के नहीं जी सकेगा। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने थे। लड़की कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, तो मैंने कहा प्रोग्रामिंग तो मुझे भी आती है। लास्ट मंथ ही मैंने गोवा का प्रोग्राम बनाया था। चीपो वहीं का, हट। भैया आप ना जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, हमें रोके की आफ्टर पार्टी करनी है। हाँ, जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ। बस थोड़ी देर हो। मैम प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रही हो? मैम प्लीज रुक जाओ। What the fudge? You? Not me. You? इधर देखिए, जूम करके देखिए,
आपने क्या किया है? आपने मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट कराई? चोरों के अगेंस्ट यूजुअली लोग यही करते हैं। क्या चोरी हुआ है आपके घर से? क्या मिसिंग है? आपकी ना सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है दिल। क्योंकि अगर आपके पास दिल होता ना, तो आप मुझसे मेरी जॉब, मेरा घर नहीं छीनते। मैंने घर आकर आपकी कार लौटाई, अपोलोजी लेटर लिखा और आपने आपने मुझे जेल भिजवा दिया। ये वैल्यूज है आपकी? आपकी फैमिली ने आपको ये सिखाया है? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्या सिखाया है? लोगों की गाड़ियां चुराना, दूसरों को भगाकर उनकी शादी करवाना? हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि फैमिली वैल्यूज से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसी फैमिली वैल्यूज का क्या फायदा जो दो प्यार करने वालों को अलग कर दे? और ऐसे प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को अलग कर दे? फैमिली वैल्यूज इज द मेन थिंग। इट्स ऑलवेज अबाउट द फैमिली वैल्यू। इट्स ऑलवेज अबाउट लव। चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला नहीं रही हूं। Get lost. And I hope तुम्हें ये सबक मिल गया है कि आहान वीर मल्होत्रा से टकराने का अंजाम क्या होता है। हाँ, मुझे मिल चुका है, पर आपका सबक बाकी है। Same to you. This Ishqi is very, very risky. Oh, bhai saab! क्या करेगी पुत्र? हाँ, अपनी इंसल्ट कराऊंगी और क्या। अब फिर से उस इरिटेटिंग आंटी के पास जाऊंगी और अपनी पुरानी जॉब वापस मांगूंगी। आरती, आरती, आरती को देखा है किसी ने? पता नहीं कहाँ चले गए। उसे डिमेंशिया है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? आरती आंटी, आरती आंटी, आरती आंटी, आरती आंटी। आरती, आरती आंटी, आरती आंटी, एक्सक्यूज मी, ये आरती आंटी आपने इन्हें देखा है क्या? एक डॉक्टर, आपने आपने इन्हें देखा है क्या? आरती, कहाँ चले गई थी? सॉरी, मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। आपको फूल बहुत पसंद है ना, और मैं रास्ता भूल गई, फिर यहाँ चली आई। फूल बहुत सुंदर है, पर नेक्स्ट टाइम आओगी ना, मुझे साथ में लेके आना। पता है, तेरे बिना मैं बहुत डर गया था। मम्मी, पता है राज क्या कह रहा था? कि वो अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू करवाना चाहता। तो मैंने भी कह दिया कि अगर करवाना है तो पूरा सोनाली मल्होत्रा करवाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि सोनू निगम का फैन है, इसलिए सोनू सोनू लिखवा के घूम रहा है। राज,
रोज इसी तरह कॉन्वो करती हूँ ना आपके साथ। पर आज रोका था ना, तो आपसे रियल में बात करने का बहुत मन कर रहा है। काश आप यहाँ होती मां। जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। मेरी फोटो दे दो दादी। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा, और ये खुश नहीं हुई। इसको तो ऐश करनी थी ना, और इसके लिए किसी पैसे वाले से शादी करके बिलायत भाग गई, और आज तक अपने बच्चों के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी, और तू उसकी तस्वीर से बैठ के बातें कर रही है। जिसकी यादों को इस घर में आने की इजाजत नहीं, उसे तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। आंटी जी, मुझे आंटी जी, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मुझे मेरे बच्चों को मिलना। आंटी जी हटिए, आंटी जी उठिए, आराम से उठिए, आंटी जी आप शांत शांत हो जाइए। आपको अपने बच्चों से मिलना है। मिलना मुझे, मैं ले जाऊंगी। वादा कूड़े के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते। वादा, पर अभी रात बहुत हो गई है ना, वो सो गए होंगे, तो मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, सुबह सुबह जाऊंगी, पक्का ना? पक्का। कल जाएंगे। मम्मी जी, आप अहान और सोनू से ये सच कब तक छुपाएंगे? अब अगर आपने आज सच नहीं बताया ना, तो मैंने खुद ही जाके बता देना। सच बताने जा रही है ना, मेरा सच बता के भी आ। ऐ बता के आ कि उस औरत की वजह से मैंने अपना जवान बेटा को तू भी पा है ना, रब ना करे अगर कोई तुझसे तेरा कार्तिक छीन ले, तू उसे माफ कर देगी? और अगर कर पाएगी तो जा, जाके आहान और सोनू को सब सच बता दे।
मम्मी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आहान और सोनू का भी तो हक है ना सच जानने का। मेरी बेटी का भी हक था जीने का, उसे मिला, मिला उसे वो हक। मम्मी जी, आहान और सोनू अपनी माँ से नफरत करते हैं, अगर उन्हें सच पता चल जाए ना तो शायद वो ऐसा ना करें। अपनी बीबी को समझा, मेरी बेटी की मौत सावित्री का पाप था और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। मैं अपने बेटे को तो उसके मनहूस साये से नहीं बचा पाई, लेकिन अपने पोते पोतियों पे उसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अगर तूने या तेरी बीबी ने आहान और सोनू को कुछ भी सच बताने की कोशिश की मेरा बड़ा मुंह देखोगे। खुशकी तू? आंटी जी, खुशकी नहीं, इश्की। अरे इसकी हो के उसकी, आई क्यों है तू यहाँ पे बदतमीज? अपना काम करने आई हूँ, आफ्टर ऑल मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आंटी जी, आपको पता है मैं जहाँ भी जाती थी ना आप ही की याद आती थी, मेट्रो में, राशन की लाइन। अरे बस, हजार बारी कहा है कैसे पुअर प्लेसेस में मेरा नाम मत लिया कर। एक बार तो बैंक में भी आई थी। हाँ वो थोड़ा टॉलरेबल है। बड़े बैंक भी चाहिए थी? इंटरनेशनल बैंक में। अच्छा, बैंक की बच्ची, तू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा के जॉब को हाथ मार के चली गई थी। लात मार के, वो जो कुछ भी है। अब क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ, अपनी सर्विसेज देने आई हूँ आंटी जी। अब देखिए, शादी का घर है, इतना काम है, मेरे बिना कैसे होगा बताइए। ओ, तू मुझे ना दुनिया की सबसे बड़ी गधी समझती है? नहीं नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, बस साउथ एक्स की। शान की शान है आप, मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ, फ्लावर्स लाई हूँ, 450 के रशियन फ्लावर है। चल तो अब इतना मना रही है तो फिर ठीक है, आ जा वापस, पर आज सैलरी से 2000 रुपए काटूंगी। हाँ मेरे पैसे काटेगी, मैं तुझे काट दूंगी। बोल मंजूर, बोल भाई। उठा के फेंक दूंगी। हाँ? जूस 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 जूस। आंटी जी, आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर अगर ग्लो चाहिए तो फिर ये क्यों पी रही है? मैं लिखवा के गई थी ना कि आप सिर्फ केल, बीटरूट और स्पिनच का ही जूस पियेंगी। आपको शादी में ग्लोइंग स्किन वाली ट्विंकल बनना है या फिर झुर्रियों वाली रिंकल बनना है? ग्लोइंग वाली। तो फिर थैंक यू रब जी, आपने इश्की को भेज दिया। इश्की, एक तू ही है ना जो मेरी फेस, स्किन और हेल्थ की केयर करती है। तो जल्दी से वापस आ जाना और सब कुछ संभाल ले। बस फिर अब ना आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और बताओ सबसे पहले क्या कर रहे हैं? लड़की वालों को ना रिंग देनी है। अच्छा एक मिनट, नंबर बताइए। ये नहीं, असली वाली देनी है। ये राज की रिंग साइज के लिए देना और लड़की की रिंग का साइज लेकर आना। ड्राइवर को एड्रेस पता है, वो ले जाएगा तुझे। चल जल्दी जा, चल निकल 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 निकल। जी ओ, 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 ओ.
अदरक कूट रही है। तुहानू पता है अमृतसर में हमारे पड़ोस में एक अदरक सिंह रहते थे, उनकी बीवी इतनी गुस्से वाली अपने खसम को भी कूट देती थी, फिर सारे मोहल्ले वाले पूछने आ जाते थे, ओए प्रीतो तेरे घर से बड़ी आवाजें आ रही थी क्या हुआ, तो प्रीतो कह देती और कोई नहीं जी चाय के लिए अदरक कूट रही थी। वैसे वो अपनी सास से भी खूब लड़ती थी, फिर कभी सास माफी मांग लेती थी कभी बहू, ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है जी, लड़ना झगड़ना मरना जीना सब साथ, लड़ाई होती है माफी मांग लेते हैं, है ना जी। एक ही कप बनाए, मेरा सर बहुत दुख रहा था, एक कप मुझे भी मिल जाती तो। तू कितने जा रही है? लो जी फिर से दोनों में बातचीत बंद हो गई। ये लीजिए, ये आपकी दवाइयां और सारे जरूरत का सामान। आपको अपने बच्चों से मिलना है, मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी। भैया यहाँ पे रुकने के लिए, चलिए अभी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।